नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मानिकपुर के इंदिरा नगर की रहने वाली माया देवी को उसके पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। वह ट्रेनों में झाड़ू लगाकर लोगों से पैसे मांगती है और अपना गुजारा करती है। 2 साल की बेटी मीनाक्षी को भी साथ रखती है। सोमवार को माया अपनी बेटी को लेकर मानिकपुर स्टेशन से गोदान एक्सप्रेस में झाड़ू लगाने के लिए चढ़ी थी। मीनाक्षी अपनी माँ का पल्लू पकड़कर ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन ट्रेन जसरा से जैसे ही आगे बढ़ी, मनकवार गांव के सामने ट्रेन में झटका लगा और मीनाक्षी गेट से नीचे गिर गई। बेटी के गिरने से बदहवास हुई माया बोगी में चीखने लगी, अरे मेरी बेटी नीचे गिर गई है, ट्रेन रोको ट्रेन रोको। ऐसे बोगी में हड़कंप सा मच गया। ट्रेन जिस स्पीड में थी किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी किसी ने कहा चेन पुलिंग कर दो। भागकर माया चेन पुलिंग करने की कोशिश करने लगी। कुछ वेंडरों ने उसकी मदद करी। रुकते रुकते ट्रेन हादसे वाली जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर इरादतगंज रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, माया ने नंगे पांव पटरियों पर दौड़ लगा दी। जिस जगह बच्ची ट्रेन से नीचे गिरी, वहीं पास में मनकवार गांव की आरती पटेल भी थी। बच्ची को पटरी पर गिरते देख वह तुरंत उसके पास पहुंच गईं। उन्होंने बच्ची को उठाया और इलाज के लिए घर ले गई। बच्ची के सिर से खून निकल रहा था और वह बेहोश हो गई थी। आरती ने एक माँ की तरह ही मीनाक्षी की चिंता करी। पूर्व विधान की मदद से वह बच्ची को डॉक्टर के पास ले गई और उसकी मरहम पट्टी करवाई गई। फिर इंजेक्शन लगने के बाद बच्ची को होश आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।